हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 17 अक्टूबर 2020, घोड़े पर सवार आ रही माँ दुर्गा, नवरात्रि भूलकर भी ना करें ये नौ काम। नवरात्रि नव दुर्गे के नौ पवित्र दिनों में माता रानी के नौ स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत, उपवास व पूजा आराधना करते हैं। साल 2020 में शारदीय नवरात्रों का आरंभ 17 अक्टूबर शनिवार से होगा। वैसे तो माँ का वाहन सिंह है, लेकिन इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है। इस बार नवरात्रों पर ऐसे कई शुभ योग भी बन रहे हैं जो इन नवरात्रों माँ को प्रसन्न करने के लिए शुभ रहेंगे। लेकिन ऐसे में आपको माँ का आशीर्वाद, घर में सुख शांति और मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ नियमों व धार्मिक मान्यताएं हैं जिन्हें ध्यान में रखना और जिनका पालन किया जाना बेहद जरूरी होगा। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और नियमों के बारे में। घर व पूजा स्थल पर शुद्धता का ख्याल रखें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि देवी माँ को समर्पित ऐसा पर्व है जिसमें 9 दिनों तक शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। दुर्गा पूजा के दौरान सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान घर व मंदिर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए पूरे 9 दिनों तक माँ की भक्ति व पूजा की जाए, ताकि माँ का आशीर्वाद आपको मिल सके। द्वार आए भिक्षु को खाली ना लौटाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह से नवरात्रि में घर और मन की शुद्धता जरूरी होती है, ठीक वैसे ही नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि द्वार पर आए भिक्षु या गरीब को अपनी जरूरत और श्रद्धा के अनुसार भोजन या कुछ न कुछ दान अवश्य करें, ताकि आपको माँ की कृपा प्राप्त हो सके। नाखून या बाल काटने जैसे कार्यों से बचें। नवरात्रि का पर्व देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होता है। शास्त्रों के अनुसार इसके कुछ जरूरी नियम हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम है नवरात्र के 9 दिनों में बाल, नाखून काटने जैसे कार्यों को ना करना। भले ही ये एक अच्छी आदत हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माँ की भक्ति के 9 दिनों में नाखून और बाल काटना जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। घर को अकेला ना छोड़ें। नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और भक्ति से मनाया जाता है। लोग इन 9 दिनों में व्रत के साथ कलश स्थापना, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, कहा जाता है कि उन्हें इस दौरान अपने घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में ध्यान रखें कि घर में किसी न किसी व्यक्ति को जरूर रहना चाहिए, ताकि अखंड ज्योत की देखरेख की जा सके। प्याज लहसुन से परहेज करें। मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि के व्रत का संकल्प रखते हैं, उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के 9 दिनों तक प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए और जहां तक संभव हो व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भक्त को उसके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब शब्द से दूर रहें। नवरात्रि के 9 दिनों तक सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाकर रखें। इससे देवी माँ प्रसन्न होकर भक्त की हर इच्छा पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मन को शांत रखकर पूजा पाठ व व्रत करना चाहिए और घर में गुस्सा, कलह या अपशब्द जैसे कार्यों से बचना चाहिए। दाढ़ी मूछ ना बनवाएं। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक खास तौर पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूछ बनवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। हालांकि इस दौरान 12 संस्कारों में से एक बच्चों का मुंडन संस्कार करवाना शुभ होता है। चमड़े की चीजों के प्रयोग से बचें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के दौरान जहां तक संभव हो तो चमड़े और चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में किसी भी तरह की पूजा और व्रत में लेदर और चमड़े की चीजों का इस्तेमाल निषेध माना गया है। किसी का अपमान ना करें। नवरात्रि के दौरान किसी भी बड़े, बूढ़े, बच्चे या फिर घर पर आए किसी अन्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और विशेषकर इस दौरान कन्याओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को माता का ही रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी नवरात्रि के दौरान इन सभी नियमों का पालन और सच्ची श्रद्धा से माँ की आराधना करता है, तो माँ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों, तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।